फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है क्या चीज, पहले इसे समझ लेते हैं। एक आपके पास एक वेसल है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर यहां इसकी वॉल पर कहीं एक होल बना हुआ है, वॉल पर कहीं एक होल बना हुआ है, दिख रहा होल आपको, छोटा सा मैंने छोड़ दिया। तो और यहां इसमें एक सर्टेन हाइट तक आपने लिक्विड भर लिया, ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है, पास्कल ने कहा था कि लिक्विड यहां से बाहर निकलने लगेगा एक धारा के रूप में, एक स्ट्रीम फॉर्म में ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। ये इसकी जो वेलोसिटी है बाहर निकलने की, ये है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा इसे हमने फाइंड करना है, और ये वेलोसिटी नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है आपका, अगर बिल्कुल नीचे तलीबा होगा तो तेज निकलेगा ये, और अगर यहाँ ऊपर होगा तो धीरे धीरे निकलेगा। डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है कि ये ओपन सरफेस से कितनी गहराई पर है। ओपन सरफेस से जितनी ज्यादा गहराई पर होगा, इस नीचे कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओपन सरफेस से जितनी ज्यादा गहराई पर होगा उतनी ही ज्यादा तेजी के से लिक्विड ये बाहर निकलेगा। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे हम दो पॉइंट्स पर, जो आपका ओपन है, ऑरिफिस है, होल है, इसकी ओपन सरफेस से डेप्थ है h, और टोटल डेप्थ है आपकी, टोटल डेप्थ लिक्विड की है कहां, कैपिटल h, ठीक है। तो हम दो चीजें फाइंड करेंगे, एक तो फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितनी वेलोसिटी से फाइंड कर रहा है, और दूसरा फाइंड करेंगे रेंज, रेंज ऑफ इफ्लक्स कितनी दूर तक जाएगा ये लिक्विड। दोनों चीजें हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, और फाइंड कैसे करेंगे, हम फाइंड करेंगे बर्नौली थ्योरम से। तो मैं यहाँ दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट तो मैंने ये लिया लिक्विड लेवल पर, बिल्कुल लिक्विड लेवल पर पॉइंट लिया है ए, और दूसरा पॉइंट ये जो होल है इस पॉइंट, इसको बना लिया क्या, बी, क्या बना लिया इसे, बी बना लिया। तो अब यहाँ आप ए और बी पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दीजिए ए और बी पर। बर्नौली थ्योरम एट ए एंड बी, तो पी ए प्लस रो जी एच, रो जी एच किसकी हाइट, ए की हाइट, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, कहां पर इस वेलोसिटी ए पर, इज इक्वल्स टू पी बी प्लस रो जी, हाइट कहां पर, बी की हाइट, प्लस हाफ रो वी वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन कहां वेलोसिटी, बी पर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से आप, कि जो प्रेशर एट ए है वो प्रेशर एट बी के इक्वल है, दोनों ही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपकी सरफेस सीधे सीधे खुली हुई है सरफेस एयर के साथ एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ जो लिक्विड बाहर निकल कर आ रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट आ रहा है, तो दोनों लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा सेम है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हाइट है इसकी ए और बी के बीच का डिफरेंस, ये पूरे एटमॉस्फेयर की हाइट से बहुत कम है, पूरे एटमॉस्फेयर की हाइट से बहुत कम है ये। तो फिर ये वाला प्रेशर तो कैंसिल हो गया हमारा। अब हाइट, ए की हाइट देख लें, ए की हाइट जो है अर्थ सरफेस से, लेनी देखना ध्यान से हमारी, ये हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है यहाँ, तो ए की हाइट अर्थ सरफेस से कितना है, कैपिटल एच, और बी की हाइट अर्थ सरफेस से कितनी बनेगी, बी की हाइट एच सरफेस से बनेगी, एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो अब ये आपका बन गया क्या, ये तो प्रेशर का तो कैंसिल हो गया, अब ये रो जी एच, ए की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, समझ गए,
ए की हाइट पूरी कैपिटल एच, ओके, प्लस हाफ रो। अच्छा, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो जीरो है, रुका हुआ है, हम ये मान कर चल रहे हैं कि रुका हुआ है और इसके हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब यहां से लिक्विड निकलने से इस पूरे लिक्विड में मोशन नहीं आ रहा, इस पूरे लिक्विड में मोशन नहीं आ रहा, इसका लेवल नीचे नहीं जा रहा और इसमें वेलोसिटी भी नहीं आ रही है, या यूं कहिए कि जितना लिक्विड निकल रहा उतना ही कहीं से हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं इसके लेवल को मेंटेन किए हुए, ना मोशन आ रहा है इसमें ना इसमें हाइट का डिफरेंस आ रहा। तो वेलोसिटी कितनी है ए पर, ए पर वेलोसिटी है कितनी, जीरो। इजिकल्स टू कितना हुआ, देखो प्रेशर एट बी तो खत्म हो गया आपका, रो जी हाइट कितनी है बी की, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और रो और वी बी यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो हमें कैलकुलेट करनी ही है, जो बी पर वेलोसिटी है लिक्विड की वो लिक्विड आप कैलकुलेट करना आपको। तो अब देखना जरा ध्यान से, देखो अब रो तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो सभी सारे के सारे फैक्टर्स के साथ रो आ रहा है, क्या बचा यहाँ से, जी एच इज इक्वल टू, ये पूरा आपका जीरो हो गया, कितना बना, जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस हाफ इफ्लक्स वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर, करेक्ट, इसे आप ओपन कर लीजिए, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एच माइनस प्लस हाफ वी स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ, इस जी एच को उधर ले जाओ तो क्या बना, जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, टू जी एच, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गई, ठीक है। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेलोसिटी निकल कर आई है, कैसे निकल कर आई है इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखते हैं। देखो ये तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकल कर आई, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब लिक्विड की वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ ये इस ऑरिफिस से, इस होल से बाहर निकल जाए, ये वो वेलोसिटी आ गई। और जाहिर सी बात है यहाँ आप देखो स्मॉल एच आ रहा है, स्मॉल एच एक्चुअली क्या है आपका, स्मॉल एच है आपके इस होल की ओपन सरफेस से डेप्थ, होल की ओपन सरफेस से डेप्थ है ये, होल की डेप्थ है ओपन सरफेस से। तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां से निकल कर आई है, क्या, इमेजिन करो कि एक 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 बॉडी है जिसका मास है एम, जिसका मास है एम, ठीक है, और ये कहां रखी हुई है, एग्जैक्टली रखी हुई आपके लिक्विड लेवल पर, पॉइंट ए पर, और फिर इसको आपने नीचे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, इसे नीचे आपने फ्री फॉल में छोड़ दिया, और ये गिरते गिरते कहां पहुंच गई, ये गिरते गिरते लेवल बी पर पहुंच गई, यानी कितनी हाइट गिराया इसे आपने, इसे आपने हाइट गिराया एच, है ना, हाइट गिराया, कितनी हाइट गिरा दी इसे आपने, एच हाइट के इक्वल गिरा दिया। तो अब जरा इसको देखें हम ध्यान से, फॉर ए बॉडी अंडर फ्री फॉल, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में है तो एट ए, ए पॉइंट पर, यहां जब ए पॉइंट पर है तो यू इसका कितना है, जीरो है पॉइंट ए पर, आपने फ्री फॉल है छोड़ा, केवल ए लेवल से आपने बॉडी को छोड़ दिया तो यू वैल्यू जीरो है, ओके। यहां एट बी वेलोसिटी हो गई वी, जिसे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v हमें कैलकुलेट करना है, u जीरो है, 2a कितना है, g है, और h कितनी हाइट गिरा, s डिस्टेंस h गिरा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 2gh, और v इज इक्वल टू निकल कर आया 2gh का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 2gh मीटर पर सेकंड। देखना जरा ध्यान से आप, अंडर फ्री फॉल कोई बॉडी एच हाइट से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना है, वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स उतनी ही है जितनी कि फ्री फॉल के दौरान कोई बॉडी वेलोसिटी गेन कर लेती है. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज सेम एज द वेलोसिटी गेन्ड बाय अ बॉडी अंडर फ्री फॉल थ्रू द सेम हाइट. सेम हाइट से गिरती हुई बॉडी जितनी वेलोसिटी गेन कर लेगी ठीक उतनी वेलोसिटी से ये लिक्विड भी बाहर निकलेगा. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. क्लियर हुई इतनी बात आपको? अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम कि कितनी दूर जाकर गिरेगा ये. रेंज ऑफ इफ्लक्स क्या फाइंड करेंगे? रेंज ऑफ इफ्लक्स. अब रेंज ऑफ इफ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. देखो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल बन रहा है और कुछ भी नहीं बन रहा है. आपने v वेलोसिटी से यहाँ फेंका था, कितनी डिस्टेंस पर गया था, वो प्रोजेक्टाइल है, वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही. एक बार आप वर्टिकल मोशन कंसिडर कीजिए, अगली बार हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर कीजिए, निकल कर वही आ जाएगा. यही तो सबसे प्यारी बात है फिजिक्स के साथ में, क्या कि आप एक चीज सीखें और अगली चार पांच चीजें आप अपने आप सीख जाते हैं अगर आपने पहले वाली चीज को बढ़िया से सीख लिया है. तो कंसिडर, मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं भैया, यहां तक ग्राउंड लेवल पर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सी पॉइंट. तो कंसिडर वर्टिकल मोशन, कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम बी टू सी. तो वर्टिकल मोशन में हम यू वाई कितना होगा? जीरो. क्योंकि यहां से जब लिक्विड निकल रहा है बी पॉइंट से, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसमें आगे बढ़ने की वेलोसिटी तो है लेकिन नीचे गिरने की कोई वेलोसिटी नहीं है. जब होल से बाहर निकल गया तब नीचे गिरना शुरू करा इसने. तो यू वाई कितना है? जीरो. और ए वाई कितना है आपका? जी के इक्वल है. और एच कितनी है आपकी? हाइट. हाइट मतलब डिस्टेंस. एस इज इक्वल टू है कितना? एच माइनस एच. तो अब आप फॉर्मूला लगा ले. कौन सा फॉर्मूला लगाए ताकि हमें टी निकल कर आ जाए? नहीं, ए माइनस जी नहीं आएगा प्रियांशु, क्योंकि ध्यान से देखो, हम हाइट भी यही ले रहे हैं डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और मोशन भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो एक्सिलेशन भी वर्टिकल डाउनवर्ड है. जब हमने हाइट को पॉजिटिव रखा तो वर्टिकल डाउनवर्ड जी को भी पॉजिटिव रखेंगे. जी निगेटिव तब होता जब हम हाइट तो नाप रहे होते डाउनवर्ड और मोशन या एक्सिलेशन होता अपवर्ड, तब हम जी को निगेटिव रखते. तो यहां से सेकेंड इक्वेशन लगा ले हम. तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एस 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 कितना है हमारा? एच माइनस एच है. और यू वाई तो जीरो है और कितना हो गया है? हाफ जी टी स्क्वायर. तो अब आपके पास बना कितना? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस एच. और यहां से सीधे सीधे सॉल्व कर लें तो t की वैल्यू निकल कर आएगी. कितनी निकल कर आएगी t की वैल्यू? 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h माइनस एच, और ये g चला जाएगा अपॉन में और इस पूरे का स्क्वायर रूट. तो ये t की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू आ गई. अब क्या करें हम? कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम बी टू लेवल सी. तो अब हमें रेंज फाइंड करनी, तो s निकाले हम. एस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस हाफ, बोलो ए एक्स, अच्छा यू एक्स, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. तो एस एक्स तो रेंज हो गई, हमें रेंज फाइंड करनी. यू एक्स कितना है? यू एक्स है ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कौन सी है? जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. तो हम क्या लिखेंगे इसके? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में इसके क्या आ जाएगा बोलो? मल्टीप्लाई में आपके इसके t आना है. तो ये रहा पूरा t की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2h, अच्छा स्क्वायर नहीं है ये, यहाँ h माइनस h डिवाइडेड बाय g. और ax आगे बढ़ने की इसके मोशन में, इसके x एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसमें एक्सिलरेशन है ही नहीं, है ना. अब एक्सिलरेशन है कैसा?
अब एक्सिलेरेशन है केवल डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एक्सिलेरेशन इसमें है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका जीरो। तो अब बहुत ध्यान से देखें हम, आर इज इक्वल टू ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो मैं सारा का सारा इकट्ठा ले लूं ना एक साथ स्क्वायर रूट में, है? मतलब क्या हुआ देखो, टू जी एच और टू एच माइनस एच अपॉन जी, और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये जी कैंसिल हो गया, टू टू ज फोर, तो इसका तो टू बाहर आ गया, और ये जी से जी कैंसिल हो गया, बचा क्या यहां से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल एच का स्क्वायर रूट। सॉरी, आर की वैल्यू हुई टू स्क्वायर रूट के बाहर स्मॉल एच एच माइनस एच, ये आपका क्या बन गया, ये रेंज ऑफ इफ्लक्स बन गया, रेंज ऑफ इफ्लक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें छोटी सी मैथमेटिक्स और करते हैं, छोटी सी मैथमेटिक्स और करेंगे इसमें। अब हम फाइंड करेंगे कि इस रेंज को मैक्सिमम लाने के लिए क्या कंडीशन है, जैसे पीछे प्रोजेक्टाइल में हमने फाइंड किया था, इस रेंज को मैक्सिमम लाने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, उससे पहले हम जरा देखें तो ध्यान से, हमारे पास यहाँ दो हाइट है, हमारे पास क्या है यहाँ दो हाइट है, एक हाइट तो कौन सी है, एक हाइट तो है कैपिटल एच और एक हाइट, सॉरी दो हाइट है हमारे पास, ये स्मॉल एच है और ये वाली हाइट कितनी है एच माइनस एच, है ना, दो है यहाँ पर। अब देखना जरा ध्यान से, एक तो हाइट है h माइनस एच और दूसरी हाइट कितनी है h, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन गई कैपिटल h बन गया। मतलब क्या हुआ, मतलब आप देखो जरा ध्यान से कि कैपिटल h के दो पार्ट हैं, कैपिटल h के दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो है स्मॉल h और दूसरा पार्ट है कैपिटल h माइनस स्मॉल h, है ना, दो पार्ट है कैपिटल एच के, दो पार्ट है, एक पार्ट तो स्मॉल एच है और एक पार्ट है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आपको मैंने एक फिगर दिया, मैंने आपको फिगर दिया 10 दू या कुछ और दू, फिगर मैं ले रहा हूं 12। ठीक है, अब आपको 12 के दो पार्ट बनाने हैं, हालांकि दो पार्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक पार्ट तो हो गया 1 और 11। हाँ जी, तो मैंने 12 के, इस 12 के फैक्टर्स बनाए, इसके पार्ट बनाए, 1 और 11 12 हो गया, तो 2 और 10 हो गया, फिर कितना हो गया 3 और 9 हो गया, फिर हो गया 4 और 8, फिर 5 और 7 और फिर 6 6, और फिर ये सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी, है ना, 7 5। तो अब जरा देखना, 11 एकम, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इनको मल्टीप्लाई करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं, इनको मल्टीप्लाई करूं, तो मैक्सिमम कब आ रहा है, जब दोनों इक्वल है ना, एक सर्टेन वैल्यू के अगर आप दो पार्ट कर दें तो उनका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों आपस में इक्वल हो। तो अब वापस यहां आ जाते हैं, हम इस पर आ जाते हैं वापस, क्या फॉर आर टू बी मैक्सिमम, आर मैक्सिमम होने के लिए आपको क्या चाहिए, एच, एच मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, एक पार्ट तो एच और दूसरा पार्ट ये वाला, एच मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस एच, यानी 2h is equals to capital H और h is equals to h by 2। ये सीधी सीधी सी बात है कि जब आपका ये होल बीचों बीच होगा टोटल डेप्थ के, तब आपकी ये स्ट्रीम मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंचेगी, हालांकि वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, लेकिन जो रेंज है वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी तो तभी आएगी जब ये स्मॉल एच, जब आपका ये स्मॉल एच किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल एच के इक्वल हो जाए, यानी कि बिल्कुल तली में जब आप होल करेंगे
तो मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलेगा, लेकिन रेंज बिल्कुल जीरो हो जाएगी उस केस में। समझिए बात, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब टोटल डेप्थ के ठीक बीचों बीच आपने ये होल क्रिएट किया, ओरिफिस क्रिएट किया। क्लियर है इतनी बात?